लेट इस्यू आर डिस्कशन ऑन द नॉलेज टू मेन वेन वी टॉक अबाउट द नॉलेज टू मेन एन कंसिडर इट एज अ कोर कॉम्पिटेंसी दैट काउंसलर नीड टू हैव देर आर सर्टन थिंगस दैट वी नीड टू कंसिडर सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि काउंसलर जो है क्या वो कॉन्टेक्ट से वाकफ है सोशल कॉन्टेक्ट से वाकफियत का होना बहुत ज़रूरी है इससे मुराद ये है कि तालब इलम जो हैं जिस सोशल कॉन्टेक्ट से निकल कर आ रहे हैं उसका उसकी बारे में इंफॉर्मेशन लेना और मज़ीद डिस्कवर करना उसके बारे में बहुत ज़रूरी है ये ये क्यों ज़रूरी है ये इसलिए ज़रूरी है कि जो भी मसाइल हैं वो सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट को कोई डोमेस्टिक इशू है जो उसके तदरीसी अमल पर असरअाज हो रहा है तो वहाँ पर उस स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट को जानना बहुत ज़रूरी है और ये इन्फॉर्मेशन हासिल करना बहुत जरूरी है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी इन्वायरमेंट में हैं विच मे बी डिस्टर्बिंग ए टू अफेक्ट हिज क्लासरूम बेस्ड परफॉर्मेंस इसलिए काउंसलर के लिए ये ज़रूरी है कि वो तमाम इन्वायरमेंटल जो इनपुट्स हैं उनका जायजा ले और उसके बाद किसी नतीजे के ऊपर पहुँचे सोशल कॉन्टेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इम्पॉटेंट स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट दे कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स

Which in which the teacher is in full command, so sometimes it is important to analyze a student's behavior in different social contexts, only then some solutions can be reached because sometimes students may not be performing their best because of certain pressures. so it is important to analyze the different social contexts in which students are operating. Wahan par counsellor Ki Jo peshawarana maharat hai वो सामने आती है काउंसलर के लिए या टीचर के लिए ये ज़रूरी है कि तमाम जो एनवायरमेंटल जो सराउंडिंग्स हैं स्टूडेंट्स की उनका बखूबी जायजा ले और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करे इसके साथ साथ जो चीज़ बहुत अहम है उसका ताल्लुक जो है वो वेल बींग एंड डिस्ट्रेस से है ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट के वेल बींग को अफेक्ट कर रहे हैं जो उसकी स्मूथ फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहे हैं उन फैक्टर्स का जायज़ा लेना जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसका डायरेक्ट असर जो है वो स्टूडेंट की शख्सियत के ऊपर पड़ रहा होता है हम जब वेल बींग एंड डिस्ट्रेस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स जो कि हो सकता है स्कूल इन्वायरमेंट में हो या डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में हो वो फैक्टर्स जो हैं वो तलब इलम को ना सिर्फ परेशान कर रहे हैं बल्कि उस उसकी शख्सियत को भी अफेक्ट कर रहे हैं उन फैक्टर्स का जायज़ा लेना भी काउंसलर के लिए ज़रूरी है दैट ऑल्सो कम्स इन द नॉलेज टू मेन ऑफ द काउंसलर द काउंसलर मस्ट गेट नॉलेज अबाउट दोज इशूज़ इसके अलावा जो चीज़ बहुत अहम है उसका ताल्लुक कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ है जब हम कल्चरल डायवर्सिटी की बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि एक क्लासरूम में जब तालब बैठे हैं तो वो मुख्तलिफ कल्चरल बैकग्राउंड्स के भी हो सकते हैं कल्चरल बैकग्राउंड्स जो हैं वो शख्सियत को डिटरमिन करती हैं तो काउंसलर के लिए ये जरूरी है जानना कि एक खास तालबिल जो किसी परेशानी से गुजर रहा है वो उसकी कल्चरल बैकग्राउंड क्या है हो सकता है कि जो स्कूल का एनवायरमेंट है दैट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कल्चरल बैकग्राउंड फ्राम विच द स्टूडेंट इज कमिंग एंड दैट मे बी द रीजन ऑफ अटन बिहेवियर सो वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड

And that is something which is extremely important if we genuinely want to solve the issues of students in school.